ये 92.7 बिग एफएम का ऑफिस है और ये इन लोगों के साथ रोज ही इंट्रैक्शन होता है. दे आर सो काइंड इनफ. बहुत आप अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी टच्ड. थैंकफुल का बहुत टच्ड है, इमोशनल मामला हो जाता है ना. क्या आपको इतना प्यार कर रहे हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे तो बहुत ही आभारी हूँ और बहुत ही टची मामला है, सेंटी वाला मामला है. 92.7 बिग एफएम डेफिनेटली बहुत लिबर्टी दी है. और इस प्रोग्राम से जो जुड़े हुए हैं, इसकी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है अर्पिता भट्टाचार्य, मनीष शर्मा, कुणाल, उज्जवल, निशा, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, राजश्री, उषा. तो ये 4 साल से आप लगातार किसी से मिलोगे ना, इससे पहले भी मेरे साथ हो चुका है, ध्यान रखिएगा, 4 साल से आप मिलोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ, अरे कल फ़ोन नहीं थे, कल कहाँ थे. सो रियल रियल ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में मैं एंटर करता हूँ, जॉइंट फैमिली में. और जाहिर है कि यहाँ पर इस पूरे जहाँ आप देख रहे हो, तो उसमें एज में भी इन सबसे सीनियर हूँ. तो वो उन्होंने प्रोटोकॉल, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट हमेशा दिए. और क्या चाहिए यार लाइफ में, और क्या चाहिए आपको. देखिए, जैसे मैंने कहा था कि मैंने डायरेक्टर सुभाष कपूर को एक मैसेज भेजा दैट इन अवर कंट्री इट इज़ ए रेयर फिनोमेना दैट एनी वर्क ऑफ आर्ट गेट्स कमर्शियल सक्सेस एज वेल एज इट इज़ क्रिटिकली अक्लेम्ड ऑल्सो एंड यू हैव डन दैट, यू हैव अचीव्ड दैट. बहुत मुश्किल होता है कि क्लास भी हो और मास भी हो और आम जनता को भी पसंद आए और क्रिटिकल अक्लेम भी मिले, लोग कहें कि क्या फिल्म बनाई है. तो ऐसी घटना है, इसलिए जॉली एलएलबी 2 जैसे प्रोजेक्ट जो है बहुत रेयर बनते हैं. और ये लोगों को, अच्छे फिल्म मेकर्स इंस्पायर होंगे कि यार नहीं नहीं अच्छा काम करो तो कमर्शियल सक्सेस भी मिलेगी. देखिए, हमारी एक संस्था है, उसका नाम है फाबगा, FABGA. हमने रेडियो पर भी अनाउंस किया उसको, फ्रेश एयर टू ब्रीद गार्डन्स एसोसिएशन. ये पिछले साल हमने स्टार्ट की. इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. जो ये ओशिवारा के पार्क से यहाँ से शुरू हुआ था, उसमें न जाने कितने लोग, हर कम्युनिटी के लोग हैं. हरीश शर्मा से जुड़े, रणधीर सिंह जुड़े, नासिर दादरकर जुड़े हुए हैं, सिकंदर खान जुड़े हुए हैं, दिनेश अग्रवाल जुड़े हुए हैं, अजय भास्कर जुड़े हुए, हरिओम शर्मा, पूरे पार्क के लोग. हमने लोगों से कितना पैसा इकट्ठा किया है और हम अकाउंटेबल. लोग कहते हैं, सर मैंने तो आपकी शक्ल देखी, सर हमको कोई अकाउंट नहीं चाहिए. और वो एनवायरनमेंट के लिए ही काम कर रही है, वो संस्था ही है. इतने डेडिकेटेड लोग हैं, यंगस्टर्स भी उस संस्था से जुड़े हुए हैं. फ्रेश एयर टू ब्रीथ गार्डन्स एसोसिएशन, उसका स्लोगन मैं आपको बता देता हूँ, ताज़ी हवा स्वच्छ जीवन, ताज़ी हवा स्वच्छ जीवन, सेहतमंद लोग इज इक्वल टू खुशहाल भारत. ये फाबगा का मोटो कैच लाइन है, ताज़ी हवा स्वच्छ जीवन, सेहतमंद लोग, खुशहाल भारत. और इस खुशहाल भारत के अंदर हर व्यक्ति, मैं चाहता हूँ वो खुश खुर्रम हो, वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो. अपनी धर्म जाति संप्रदाय अलग रख के हम भारतीय हैं और हम खुश रहना चाहते हैं, हम शांति के साथ रहना चाहते हैं. बस यही करना है. अपने प्रोग्राम के थ्रू सुहाना सफ़र 92.7 आप गौर से सुनिएगा. हम हमेशा सोशल इश्यूज़ के लिए, सोशल जो भी, जिस तरह से भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस तरह से हम इस शो को, उस शो में बात करते हैं, लोगों को बुलाते हैं. तो लोगों को अच्छा लगता है, सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है. मनोरंजन तो है, लेकिन मनोरंजन करते हुए भी सुहाना सफ़र 92.7 का ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी पूरी करता है.